हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही बेबी के लिए इंटरटेनिंग प्रोडक्ट के साथ आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि बेबी टिल 6 मंथ या 7 मंथ क्लॉडिंग पीरियड नहीं होता उसका, तो बेबी एक जगह ही लेट कर वो खेलता रहता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके साथ में कोई बात करने के लिए उसे चाहिए होता है, या फिर कुछ उसको टॉयज दिखाना होता है, या उसे कुछ इशारों में बात करना होता है जिससे वो अपने आप को इंटरटेन कर सके। लेकिन आज के इतने भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में फादर को अपना जॉब देखना होता है, मदर भी कई बार ऑफिस गोइंग होती है, या फिर मदर को घर पे भी काफ़ी काम होता है, तो मदर या फादर बहुत ज़्यादा टाइम बेबी को नहीं दे पाते, जिससे क्या होता है बेबी रोना स्टार्ट कर देता है। बेबी अगर रोने लगेगा तो घर का माहौल भी ख़राब होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक बहुत ही बेहतरीन बेबी के लिए कॉट मोबाइल सेट लेकर आए हैं आपके सामने। ये बेबी का सेल्फ इंटरटेनिंग प्रोडक्ट है, ये बेबी के लिए सेल्फ एंटरटेनमेंट बेबी को प्रोवाइड करता है। और इसे जस्ट आप इसे हैंग कर दीजिए और ये अपने आप बेबी इसके उसके कॉट क्रेडल में, मतलब झूले में या फिर पलंग में, पालने में या कॉट में, कहीं पर भी आप इसे हैंग कर देते हैं और बेबी इसे देखता रहेगा और काफ़ी अपने आप को इंजॉय करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये सिंपल कॉट मोबाइल ही नहीं, इससे बेबी का बहुत सारा एक्टिविटीज़ को ये डेवलप करने में हेल्पफुल है। सबसे पहला अगर आप देखिए, इसमें सारा फंक्शंस लिखा हुआ है इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ये बेबी का कलर परसेप्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होता है इसमें अलग अलग कलर अट्रैक्टिव कलर्स दिए हुए हैं और बहुत लाइट कलर्स, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स भी नहीं है और अट्रैक्टिव है ये कलर्स, जिससे बेबी कलर पहचानने का या कलर्स के प्रति अपना जो रुझान होता है वो उससे बढ़ता है और उनका कलर पहचानने का शक्ति यानी परसेप्शन डेवलप होता है। दूसरा है ये इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फिंगर्स। जब बेबी इसके साथ में टॉयज रैटल्स वगैरह जो देख रहे हैं हैंग किया हुआ है, कलरफुल है और इसे बेबी पकड़ने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है बेबी का फिंगर्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ता है। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है। बेबी जब इसे देखता है या अलग अलग कलर्स को और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो आँखों और हाथों का, फिंगर्स का जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। इसके बाद में ये हेल्प डिस्टिंग्विश डिफरेंट साउंड्स। इसके अलावा क्या है, ये अलग अलग साउंड्स को, आवाज़ को पहचानने का, जैसे रैटल का साउंड हो गया, इसमें रिंग बेल का साउंड हो गया, इसमें अलग अलग साउंड्स को बेबी पहचानने की, बेबी के अंदर शक्ति जो होती है वो बढ़ती है और बेबी अलग अलग साउंड्स को पहचानना सीखता है। और लास्ट जो है ये हेल्प इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ बेबीज। इसको देख कर बेबी तरह तरह की चीज़ें सोचता है और उसमें सोचने समझने की शक्ति या कुछ नया इनिशिएटिव लेने की शक्ति बेबी में डेवलप करता है। तो और इसके अगर हम लोग मटेरियल की बात करते हैं, तो इसे बनाने के लिए हमने प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, जिसे कि हम लोगों ने बेबी के सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने इसे बनाया है, क्योंकि इसके रैटल्स हो सकते हैं, बेबी हाथ में पकड़ेगा, मुंह में लेगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने BPA फ्री प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, जो कि बेबी के लिए 100% सेफ एंड सिक्योर है। अब इस अट्रैक्टिव प्रोडक्ट को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ और इसे कैसे फिट किया जाता है कॉट में या क्रेडल पे, मैं उसे दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए और आपको भी इस प्रोडक्ट की खासियत को समझने में आसानी हो जाए। ये हमारा कंप्लीट सेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग, जैसे शिप है, ये डक है, ये हॉर्स है, इसके बाद में हैन है, उसके बाद में आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉल दिया गया है और इनके कलर्स को आप देखिए कितने अट्रैक्टिव कलर्स है बेबी को और कितना लाइट वेट है ये, जिससे क्या होगा कि बेबी बहुत आसानी से इसे ग्रिप कर सकता है, छोटे छोटे हैं, ग्रिप कर सकता है, पकड़ सकता है और इनसे अट्रैक्ट हो सकता है और अपने आप को इंटरटेन कर सकता है। इसमें देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं इसके सनपीस को फिटिंग करके पहले दिखाता हूँ। ये इसका हैंडल बार है जो कि आपका कॉट में ये फिट हो जाएगा या क्रेडल में फिट हो जाएगा। उसके साथ में ये इसको एक्सटेंशन बार है इसका, इस एक्सटेंशन बार को इस ढंग से करके इसका हाइट को और बढ़ाया जा सकता है ताकि इसके बेबी के फेस पर ये गिर ना जाए या बेबी के फेस पे ये टच ना करे, ये एक्सटेंशन बार के जरिए इतना दूर हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये आता है, ये रिंग बेल हो गया, इस बेल को हम लोग यहाँ पे ऐसे फिट करते हैं, ये आपका फिटिंग हो गया। इसके बाद हमारा ये जो सेट, जिस रैटल सेट्स हैंग करने के लिए जो ये है, इसे हम लोग इसे फिट करेंगे। अब ये देखिए इस ढंग से रैटल सेट्स फिट हो गया और इसके साथ में ये हैंग हो जाएगा इस ढंग से, ये आपका हैंगर हो गया और इसे हम लोग जस्ट इसमें हैंग करेंगे। एक सेकेंड, ये आपका हो गया, इस ढंग से हमने इसको हैंग किया। अब इस बार को इसके साथ में ऐसे हम लोग हैंग कर देंगे, ये देखिए हैंग हो गया। अब जो सारे टॉयज़ हमें इसे पहले पॉट में फिट करके आपको दिखाता हूँ, आपको देखिए ये हो गया आपका
ये इसका स्क्रू हो गया, जिससे आप इसे लूज करिएगा थोड़ा सा, ताकि ये इस कॉट में बहुत सारा क्रेडल में काफ़ी आसानी से फिट हो जाए। ये हमारा क्रेडल है और इसमें बहुत आसानी से इसे फिट किया जा सकता है। ये पूरा ओपन करने के बाद में आप इसे जस्ट इस ढंग से इसे बैठाना है आपको, इस ढंग से बैठ जाएगा और इसे आपको टाइट कर देना है। आप इसे टाइट कीजिएगा, ये पूरा बैठ जाएगा इस ढंग से, ये बैठ जाएगा इस ढंग से। और इसके साथ में आप जो टॉयज हैं इनको इस ढंग से एक एक करके हैंगर्स में सारा को टाई अप कर देना है, तो ये सारे टॉयज हो जाएंगे। इसके अलावा मैं इसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये 3-in-1 कॉट मोबाइल इसे कहा जाता है। इसका ये देखिए रिंग है, ये बेल है, इसको आप घुमा देना है और घुमाने के बाद ये इस ढंग से घूमता रहेगा। देखिए आप देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अट्रैक्टिव और साउंड के साथ में आता है और ये पूरा घूमता रहेगा इस ढंग से। और ये पूरा यहाँ पे आपके छोटे छोटे टॉयज ये सब हैंग रहेंगे, इस ढंग से टॉयज हैंग रहेंगे, टॉयज बिन के साथ में घूमेंगे, घूमते हुए नजर आएंगे आपको इस ढंग से, ये इस ढंग से टॉयज बिन के साथ। तो बेबी इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव बेबी होगा और इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को एंटरटेन कर सकता है। तो ये 3-in-1 कॉट मोबाइल हो गया हमारा, और इसका एक बार आप पूरा कंप्लीट बेल घुमाने के बाद 15 मिनट्स तक ये घूमता रहेगा, इसे राउंड राउंड घूमता रहेगा और ये म्यूजिक आता रहेगा, जो कि 15 मिनट तक आपके बेबी को एंटरटेनमेंट देता रहेगा। होप आपको ये प्रोडक्ट और वीडियो हमारा काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।